हाय, दिस इज पंखुरी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन मूवी टॉकीज। तो आज जानवी कपूर स्टारर गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल रिलीज हुई है और कैसी है ये बायोपिक, लेट्स फाइंड आउट। फिल्म वॉर वेटरन गुंजन सक्सेना की लाइफ पे बेस्ड है, जो न सिर्फ इंडियन एयरफोर्स की फर्स्ट फीमेल पायलट्स बैच में थी, बट शी वॉज ऑल्सो द ओनली फीमेल टू बी अ पार्ट ऑफ द कारगिल वॉर। कारगिल में दिखाई गई अपनी ब्रेवरी के लिए उन्हें शौर्य चक्र भी मिला था। फिल्म बहुत इंस्पायरिंग है और अगर इसे आप स्टार किड जानवी कपूर की वजह से नहीं देखना चाहते तो एक बार उसे भारत की उस वीर बेटी के लिए जरूर देखिए, आपका सर फक्र से ऊपर हो जाएगा। फिल्म में 90s में इंडियन एयरफोर्स में प्रेवलेंट पेट्रियार्की को दिखाया गया है और कैसे फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना ने हर हर्डल को पार किया एंड फाइनली ब्रोक द ग्लास सीलिंग एंड पेव्ड वे फॉर फीमेल्स इनटू द एयरफोर्स इज ऑ इंस्पायरिंग। आई एम नॉट अ जानवी कपूर फैन एंड दिस इज़ नॉट अ पेड रिव्यू। पहले ही बता देती हूँ, धर्मा प्रोडक्शन से मुझे कोई पैसे नहीं मिले हैं, इससे पहले कि आप लोग कॉमेंट सेक्शन में लिखो कि अरे करण जौहर से तूने कितने पैसे खाए हैं। कोई पैसे नहीं खाए हैं मैंने, बट जानवी हैज़ डन अ ग्रेट जॉब एंड दिस इज़ अ वेल मेड फिल्म। जानवी हैज़ डन जस्टिस टू हर रोल, कहीं पर भी वो ओवर द टॉप नहीं है और यूनिफॉर्म में अच्छी लग रही हैं। खैर, इंडियन आर्म फोर्सेज की यूनिफॉर्म है, कोई भी पहन ले अच्छा ही लगता है। जानवी की धड़क के बाद ये दूसरी फिल्म है और अपनी सेकंड फिल्म में ही एक फीमेल ओरिएंटेड बायोपिक करना थोड़ा रिस्की था, बट द रिस्क शी टुक पेड ऑफ। वैसे जानवी के एक्सप्रेशंस की रेंज अभी काफ़ी लिमिटेड है एंड शी विल हैव टू वर्क मोर ऑन इट, बट सर्टनली अ गुड एफर्ट। पंकज त्रिपाठी ने गुंजन सक्सेना के सपोर्टिव डैड का रोल प्ले किया है एंड ही इज सुपर्ब इन हिज रोल। बहुत ही सदी हुई और रिस्ट्रेंड एक्टिंग की है उन्होंने। अंगद बेदी हैज प्लेड हर ब्रदर एंड दो ही इज अ गुड एक्टर, इतना अनोइंग कैरेक्टर जिसकी लेंथ भी इतनी कम थी उन्होंने क्यों किया वही जानते हैं। आयशा रजा हैज प्लेड हर मदर एंड शी इज गुड इन अ रोल। डायरेक्टर शरण शर्मा ने एक बेहतरीन फिल्म बनाई है, इट विल एंटरटेन यू एंड ऑल्सो गिव यू गूज बम्स। हाँ, थोड़े बहुत सीक्वेंसेज और डायलॉग्स टू मच जरूर हैं, बट ओवरऑल इट्स एन इंस्पायरिंग मूवी। स्क्रीन प्ले टाइट है, शूट अच्छी की गई है, लोकेशंस तो माशाल्लाह, कश्मीर हैज़ बीन ब्यूटिफुली पोर्ट्रेड। फिल्म आपको एंड तक बांधे रखती है विदाउट एनी चेस्ट थम्पिंग जिंगोइज्म। फिल्म में कमियां भी हैं, जैसे बचपन में गुंजन का प्लेन से ऑब्सेशन, इट्स अ बिट टू मच। मैं थोड़ा और एक्शन एक्सपेक्ट कर रही थी, बट दैट टू इज लिमिटेड। खैर, इट्स नॉट एन आउट एंड आउट वॉर फिल्म, इट्स द स्टोरी ऑफ अ वुमन जिसने भारतीय नारी को आदमियों के साथ आसमान पर कंधे से कंधा मिलाकर उड़ना सिखाया। आई एंजॉयड वॉचिंग दिस फिल्म क्योंकि इसमें एक्शन है, इमोशन है और थोड़ा बहुत ह्यूमर भी है। मुझे लगता है कि हर किसी को अपने बच्चों के साथ ये फिल्म देखनी चाहिए। इट्स स्ट्रीमिंग नाउ ऑन नेटफ्लिक्स, तो अपने घर पे ही इंजॉय कीजिए। आई गिव इट अ रेटिंग ऑफ 3.5 स्टार्स। सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू टुडे। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद समथिंग न्यू एंड समथिंग फ्रेश। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मूवी टॉकीज एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।